स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड लेक्चर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, फिजिक्स पार्ट 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम लोग चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इस पे ये बॉक्स में दिया हुआ था, ये हम लोगों ने देख लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, फिगर 1.2A। फर्स्ट चैप्टर का दूसरा फिगर है ये, इसको जो डिनोट करते हैं, इस नोमेनक्लेचर को हमेशा समझिए। 1.2 मींस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड फिगर होगा ये, और उसका ए पार्ट। तो कह रहे हैं कि एक सिंपल सा एपरेटस है जो डिटेक्ट कर लेगा कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, वो इलेक्ट्रिफाइड बॉडी है या नहीं, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स with two thin little thin gold leaves attached to its bottom end। कह रहे हैं कि ये कैसा होता है, इसका फिगर आपको आगे ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि एक ये मेटल नॉब है। पहले इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, मेटल नॉब है, मेटल रॉड है। मेटल को यहाँ बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, मेटल नॉब ही क्यों लिया जा रहा है, मेटल रॉड ही क्यों लिया जा रहा है, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, और सेमी कंडक्टर, ये आगे हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और इसीलिए यहाँ मेटेलिक रॉड और मेटेलिक नॉब लिया जा रहा है। अब इसको देखिए, एक रबर का यहाँ पे क्या है, होल बनाया गया होगा बॉक्स में, और उसको टाइटली फिक्स करने के लिए होल पे रॉड को एक रबर का यहाँ रबर डिस्क यूज किया गया है, और रॉड अंदर तक गया है यहाँ पे। और रॉड के दूसरे एंड पे आप देखिए, ये जो दो आपको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर लीव्स, लीव्स कह रहे हैं इसको, पत्तियों की तरह आप समझ सकते हैं, दो लीव्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं, यही बात यहाँ लिखी गई है। और ये क्लोज्ड बॉक्स है, ग्लास विंडो है, देखिए ये चारों तरफ से ग्लास से सील्ड है, और एक तरफ से खोलने की व्यवस्था होगी इसमें, ग्लास विंडो है। और गोल्ड लीव्स यहाँ पे देखिए, एरो बना के पूरा लेवल किया गया है डायग्राम को। आगे देखते हैं इसमें, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोज ऑन to the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. Amount, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि अगर किसी भी charged body को आप इस metal knob से touch कराएंगे, जो कि ये figure में यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ देखिए, ये जो knob आप देख रहे हैं, ये round circular object spherical, वो यही knob है, और ये वही rod है जो अंदर आपको यहाँ दिखाया गया है, और ये वही मेटल लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं। तो ये यहाँ पे दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, आप देख सकते हैं, डाइवर्ज करने मतलब दोनों फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, जो कि पहले एक दूसरे से चिपकी हुई थी, एक दूसरे से कांटेक्ट में थी। अब देखिए यहाँ पे एक ये रॉड है जो चार्ज्ड बॉडी, आप देख सकते हैं इस पे चार्ज बनाया गया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और कहा जा रहा है कि अगर इस किसी भी चार्ज्ड बॉडी को इस मेटल नॉब से जो एक एंड पे है उसको टच कराएंगे, तो गोल्ड लीव्स आपस में डाइवर्ज कर जाएंगे, दोनों दूर दूर फैल जाएंगे, और टेस्ट हो जाएगा कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है, ये डिटेक्ट किया जा सकता है, यही बात यहाँ बताई जा रही है। अब आगे आप मैकेनिज्म देखेंगे कि ये सारी चीज हो कैसे रही है। दूसरी बात ये कि डाइवर्जेंस जितना ज्यादा होगा, आप देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये दोनों लीव्स के बीच में, ये जो एंगल बन रहा है ये जितना ज्यादा होगा डाइवर्जेंस उतना ज्यादा होगा दोनों लीव्स के बीच। तो डाइवर्जेंस
कब ज्यादा होगा? जब ये दोनों लीव्स एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से रिपेल करेंगे तो ज्यादा दूर दूर जाएंगे, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। और ज्यादा फोर्स से रिपेल तब करेंगे जब दोनों पे ही अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना कम डाइवर्जेंस उतना अमाउंट ऑफ चार्ज। किसके ऊपर? इस चार्ज बॉडी के ऊपर जिसको कॉन्टेक्ट में लाया गया। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग आगे। स्टूडेंट्स कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज, फिगर 1.2b। अब देखिए 1.2b है फिगर का। एक बॉटल लिया गया है यहाँ। टेक अ थिन एल्युमिनियम कर्टेन रॉड एंड विथ बॉल एंड्स फिटेड विथ हैंगिंग द कर्टेंस। आप देखें होंगे आपके घर में पर्दे को लटकाने के लिए एल्युमिनियम की रॉड्स का यूज किया जाता है, उन्हीं एल्युमिनियम रॉड को लेने के लिए कहा जा रहा है। कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर विद द बॉल एट वन एंड एंड फ्लैटन द कट एंड। कह रहे हैं कि एल्युमिनियम रॉड के एक एंड पे जहां बॉल लगा होगा एल्युमिनियम का, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वन पीस में है रॉड, उसको एक तरफ से काट दिया गया, एक एंड पे यहाँ बॉल वैसे ही रहेगा एज इट इज, और दूसरे एंड पे क्या किया गया, एक स्लिट बनाया गया कार्ड के बीच से कुछ फंसाया जा सके उसको, इस तरह से बनाया गया, बीच से उसको चीर दिया गया कह सकते हैं आप दो पार्ट में। टेक अ लार्ज बॉटल दैट कैन होल्ड दिस रॉड एंड अ कॉर्क विच विल फिट इन द ओपनिंग ऑफ द बॉटल। अब एक कॉर्क जो काम यहाँ पे रबर काम ने, हम रबर से ले रहे थे यहाँ पे डिस्क से, वही काम यहाँ कॉर्क से लेंगे। एक कॉर्क का ढक्कन ले लीजिए जो उस बॉटल में फिक्स हो सके, फिट हो सके टाइटली, और उसमें होल कर दीजिए कॉर्क में, और उस रॉड को उस होल से अंदर ले जाएंगे। देखिए टेक अ लार्ज बॉटल होल्ड दिस, ठीक है, मेक अ होल इन द कॉर्क सफिशियंट टू होल्ड द कर्टन रॉड स्नगली, स्लाइड द रॉड थ्रू द होल इन द कॉर्क विद द कट एंड ऑन द लोअर साइड एंड बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबव द कॉर्क। ठीक है, यही बात लिखी गई कि जो ये कट वाला साइड है ये अंदर जाएगा और जहां बॉल है वो साइड नॉब के ऊपर रहेगा। फोल्ड अ स्मॉल थिन एल्युमिनियम फॉयल अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ इन द मिडिल एंड अटैच इट टू द फ्लैटन एंड ऑफ द रॉड बाय सेल्यूलोज टेप। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो सेल्यूलोज टेप्स आते हैं उस टेप से आपको क्या करना है, यहाँ पे लोअर एंड पे एक एल्युमिनियम फॉयल को अटैच करना है। एल्युमिनियम फॉयल्स होते हैं जो आप फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज करते हैं, उसका एक छोटा सा स्ट्राइप काटिए, पट्टी काट के उसको बीच से फोल्ड कर दीजिए ऐसे वी शेप में, और उसको यहाँ पे फिक्स करिए टेप से। दिस फॉर्म्स द लीव्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ पे हम गोल्ड लीफ नहीं यूज करके एल्युमिनियम लीव्स यूज कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। फिट द कॉर्क इन द बॉटल विथ अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ द बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबव द कॉर्क। कह रहे हैं कि कॉर्क को ऐसे फिक्स करिए कि लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर ये बॉल रहे, रॉड का ये एंड और बाकी अंदर है ये दूसरा एंड। अ पेपर स्केल मे बी पुट इनसाइड द बॉटल इन एडवांस टू मेजर द सेपरेशन ऑफ लीव्स। कह रहे हैं कि एक पेपर स्केल आप लगा सकते हैं पहले ही बॉटल के अंदर, फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आप फिक्स कर लें, ताकि जब डाइवर्जेंस हो तो कहाँ से कहाँ तक डाइवर्ज किया उसको आप उस लेंथ ऑफ डाइवर्जेंस को मेजर कर सकें। द सेपरेशन इज अ रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। बिल्कुल सही है, जो जो सेपरेशन होगा दोनों लीव्स में वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं चार्ज का मिलेगा, उससे एक रफ आइडिया आपको मिलेगा। आप लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि जिस बॉडी को आप टेस्ट करने जा रहे हैं कि वो चार्ज्ड है या नहीं, उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, चार्ज कितना की मात्रा क्या है। टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स यूज द वाइट पेपर स्ट्राइप्स वी यूज्ड फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। कह रहे हैं कि अब कैसे इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है इसको समझने के लिए एक वाइट पेपर का स्ट्राइप लीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम से आप रब करिए अपने बालों पे और वो पीसेस को ले जाएंगे उसके पास पेपर के, तो उसको अट्रैक्ट करता है, वैसे ही वाइट पेपर्स को आप यूज़ कर लीजिए।
Fold the stripes into half so that you make a mark of fold. Open the stripe and iron it tightly with the mountain fold up as shown in the figure 1.3. अब देखिए फिगर 1.3 पे आ जाइए, पेपर स्ट्राइप एक्सपेरिमेंट है। एक पहले फिगर ए में बताया जा रहा है क्या कि एक पेपर का स्ट्राइप लीजिए व्हाइट पेपर का, और बी में बताया जा रहा है कि उसको बीच से मोड़िए और माउंटेन यानी ये जहाँ पीक बन रहा है इसको माउंटेन साइड बोल रहे हैं। मिडिल से आपने किया इसको पेपर को बेंड वी शेप में, और पहले उसको करके बेंड करिए, फिर उसको खोल के उसको लाइटली आयरन करिए। थोड़ा आयरन करने से ड्राई हो जाएगा वो पूरी तरह से, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा, होल्ड दी स्ट्राइप बाई पिंचिंग इट एट दी फोल्ड। फोल्ड के पास अपनी चुटकियों से उसको पकड़िए स्ट्राइप को, बाई पिंचिंग इट एट दी फोल्ड, जहाँ पे फोल्ड है वहीं पे बिल्कुल उसको पकड़िए। यू वुड नोटिस दैट दी टू हाफ्स मूव अपार्ट, और आप देखेंगे कि जो दोनों हाफ्स हैं वो दूर दूर एक दूसरे से चले जाएंगे, रिपेल करेंगे। दिस शोज दैट स्ट्राइप हैज एक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरनिंग। इससे आपको पता चलता है कि जैसे ही आपने आयरनिंग किया था तो दोनों ही स्ट्राइप्स चार्ज्ड हो गए थे, और इसीलिए वो रिपेल करके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। When you fold it into halves, both the halves have the same charges. कह रहे हैं अगर आप बीच से बिल्कुल फोल्ड किए होंगे दो आधे आधे भाग में, तो दोनों ही आधे भाग पे बराबर बराबर चार्ज रहे होंगे, सेम चार्ज रहे होंगे, यही बात यहाँ कही जा रही है। When you fold it into half, both the halves have the same charge. Hence they repel each other. The same effect is seen in the leaf electroscope. लीव इलेक्ट्रोस्कोप में बिल्कुल यही इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा था। ऑन चार्जिंग द कर्टन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड विद एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर टू द कर्टन रॉड एंड द अटैच्ड एल्युमिनियम फॉयल। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, बिल्कुल यही चीज, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट में ला रहे थे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप जैसे ही ये ऊपर की एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को मेटल नॉब के पास लाएंगे तो मेटल है कंडक्टिंग बॉडी है, यहाँ का चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर जाएगा, ये फ्लो करते हुए यहाँ नीचे तक रॉड के दूसरे एंड पे आएगा, और आने के बाद वो दोनों ही लीव्स पे जो हाफ इधर और हाफ इधर फोल्ड के है, दोनों ही लीव्स पे चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट से कनेक्टेड है जो पीक है माउंटेन साइड जिसको कह रहे हैं। तो जब चार्ज यहाँ तक आएगा तो ये इस वाले लीव पे भी जाएगा और दोनों ही लीव्स पे जाएगा, इधर भी जाएगा, और दोनों पे लाइक चार्जेस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज में आधा इधर बट जाएगा और आधा इधर बट जाएगा। अब दोनों ही लीव्स जब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए तो लाइक चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो गोल्ड लीफ और एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से ये पेपर को फोल्ड करके हमने एक्सपेरिमेंट किया है। Both the halves of the foil get similar charge and therefore repel each other. The divergence of the leaves depends on the amount of charge on them. Let us first try to understand why material bodies acquire charge. चलिए अभी ये समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी material body charge acquire क्यों करता है? You know that all matter is made up of atoms and or molecules. बिल्कुल सही है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आप जो बल्क ऑब्जेक्ट लेते हैं या तो वो एटम्स का बना होता है या वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और मॉलिक्यूल्स फर्दर एटम्स के बने होते हैं। सो ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्जेस, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। कह रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि अब आप देखिए, कोई भी मटेरियल है अगर वो एटम्स का बना है तो आपको पता है एटम्स फंडामेंटली किसके बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बने हैं। तो कोई भी एक बल्क ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट आप देखते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो अगर एटम्स का बना है तो एटम्स तो चार्ज्ड पार्टिकल्स के ही बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन खास बात यहाँ क्या है कि किसी भी एक एटम को यदि आप लेते हैं तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम को लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं।
इसलिए जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। तो जैसा अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहा था, पीछे आपने देखा अभी इस लॉजिक को, तो नेट चार्ज अगर जीरो होता है एक एटम पे, तो उस एक एटम जैसे ही सारे एटम्स हैं जो किसी मटेरियल को बना रहे हैं, और सभी एटम्स पे ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम होगी। तो जब हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो ओवरऑल बल्क जो मटेरियल है उसके ऊपर भी अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम होगा, इस वजह से टोटल चार्ज जीरो होगा और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यही बात यहाँ लिखी जा रही है। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू कंटेन चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, लेकिन वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं। फोर्सेज दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टूगेदर, फोर्सेज दैट होल्ड एटम्स टूगेदर इन अ सॉलिड, द एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लू, फोर्सेज एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन, ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे अगेन, पीछे भी मैंने बताया था कि ये जितने फोर्सेज की यहाँ चर्चा की जा रही है, ये सारे फोर्सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो यही बात कीजिए, सरफेस टेंशन हो किसी लिक्विड के सरफेस पे, या कोई ग्लू हो, एडहेसिव हो, जैसे फेविकोल आप यूज करते हैं दो चीजों को चिपकाने के लिए, उनको एडहेसिव्स कहते हैं हम, इन सभी के बीच में जो फोर्स होता है, इंटरैक्टिंग फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। दस, अब ये कैसे होता है आप देखिए, मान लीजिए अगर आप कोई दो लकड़ी के टुकड़े को फेविकोल से चिपकाते हैं, तो होता क्या है कि आप जब फेविकोल लगाते हैं दोनों लकड़ी के टुकड़ों पे, तो लकड़ी से लकड़ी नहीं चिपकती। अगर आप बिना फेविकोल लगाए दो लकड़ी के टुकड़ों को चिपकाएं, तो क्या वो आपस में चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। तो आप करते क्या है, लकड़ी के एक टुकड़े पे आप एक तरफ फेविकोल लगा दीजिए, फेविकोल लकड़ी से चिपक जाएगा, फेविकोल लकड़ी से चिपक रहा है यहाँ, और अब दूसरी लकड़ी को उसी फेविकोल के सरफेस पे ले आके टच कराइए, तो ये वाली लकड़ी भी फिर से फेविकोल से चिपक जाएगी। तो बेसिकली लकड़ी से लकड़ी नहीं चिपकी, फेविकोल से लकड़ी चिपका दोनों तरफ, और बीच में एक सरफेस फेविकोल का है, उस फेविकोल के उस सरफेस के दोनों तरफ लकड़ी आपस में, मतलब लकड़ी चिपक गई फेविकोल से, लकड़ी से लकड़ी कभी नहीं चिपकेगी। तो एडहेसिव्स यही काम करते हैं। दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड इट एनकम्पसेस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आवर लाइफ, इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेज हमारी लाइफ में हर जगह आप देखेंगे, हर फील्ड में हमें देखने को मिलता है, और लगभग हर तरह के फोर्सेज जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं, इसलिए इस फोर्स को डिटेल में पढ़ना और ठीक से समझना ज़रूरी है हमारे लिए। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।